जनप्रतिनिधियों ने काठरी ग्राम पंचायत में कार्य करवाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। 9 वर्षों से पक्के निर्माण कार्य नहीं, 8 महीने से पंचायत कोरम की एक भी बैठक नहीं। आसपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत काठरी के वार्ड पंचों ने गुरुवार को ग्राम पंचायत में पिछले कुछ समय से काम नहीं होने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर शुभम चौधरी, आसपुर विकास अधिकारी राहुल बैरवा, क्षेत्रीय विधायक गोपीचंद मीना व आसपुर प्रधान केसर देवी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि आसपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत काठंडी में पिछले 2 वर्षों से पक्के निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। कई बार कार्य हेतु प्रस्ताव भी लिए गए हैं, किंतु उन कार्यों को पूरा नहीं किया गया है। वहीं अन्य सभी ग्राम पंचायतों द्वारा नियमित रूप से कार्य किए जा रहे हैं, किंतु ग्राम पंचायत काठंडी में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके कारण हमारा गांव पिछड़ गया है एवं गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। यदि ग्राम पंचायत द्वारा कार्य किए जा रहे हैं तो उसकी सूचना दी जावे, जिससे कार्यों की स्थिति स्पष्ट हो सके। हम सभी वार्ड पंच ने मिलकर कई बार सरपंच और सचिव से कार्यों को लेकर पूछा, परंतु किसी से कोई जवाब नहीं मिला। काठंडी पंचायत में 2 गांव काठंडी और खेड़ा सामोर आते हैं। इन दोनों गांवों को मिलाकर 3000 वोटर्स हैं। वोटर्स हमसे गांव के विकास को लेकर सवाल करते हैं, परंतु हम उन्हें संतुष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमें खुद इसके बारे में मालूम नहीं है। संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है। हमारी पंचायत में 8 महीने से कोई कोरम की बैठक तक आयोजित नहीं हुई है, आदि की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। उप सरपंच व वार्ड पंच भांजी पटेल, पूजा पटेल, ममता माया वार्ड पंचों के हस्ताक्षर मौजूद है। आसपुर से रिपोर्टर प्रवीण कुमार कोठारी। पंचायत ग्राम पंचायत काहड़ी, वहाँ से हमारे 2 साल में कोई काम हो पक्का नहीं हुआ है। जो नरेगा का हो रहा वही है, इनके अलावा 8 महीने से मीटिंग भी नहीं हो पाई रही है। बाद में हम बहुत बार इनको समझा कर भी बोले हैं कि साहब आज 5 तारीख मीटिंग है तो कोई हमको फोन नहीं आता है, 20 तारीख को रखेंगे, यूँ बोलते हैं 20 तारीख को भी नहीं हो रही है। ऐसा हम परेशान हो रहे हैं। लोग हमारे घर पे आकर बोलते हैं कि ये वार्ड पंच भैया तुम्हारा अपने वार्ड में ये काम नहीं हो रहा है, और बोल रहे हैं कि सीसी रोड हो जाएगा यूँ करके हमारे को हम बताते हैं कि भाई 1-2 महीना लगेगा, मार्च में तक हो जाएगा, ऐसा हमने लोगों को विश्वास दिया हुआ है, तो अब तक कोई काम नहीं हो रहा है। आज से 10 साल पहले जो पुराना सीसी रोड है वो भी तोड़फोड़ हो गया है, 2-4 पुलिया बने वो भी तोड़फोड़ है, वो भी लीकेज है, और बहुत सारे नुकसान भी हमने इन सभी को बताया है कि भाई देखो ये तोड़फोड़ है तो इनको भी ठीक करो, कि कोई भैंसों का पैर आ जाता है, इन्हें पुलिया टूटा हुआ है, बहुत वो है। आज कार्य ग्राम पंचायत में नहीं होने के बावजूद आपने ज्ञापन किसको दिया? हमने आज एवं प्रधान जी को दिया है, MLA साहब को, अधिकारी को, BDO साहब को, हर जगह हमने राजस्थान अपने मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा। हाँ, सभी को सौंप दिया। आपका नाम? हमारा नाम भांजी भाई पाटीदार। वार्ड पंच? वार्ड पंच और सरपंच दलजी भाई।